हाँ भाई, पहला एच सी वर्मा एनएलएम, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इजी इजी क्वेश्चन थे, आपको नहीं लगा क्या? पांचवा, पांचवे में लौट गए। अच्छा, इसमें क्या हो गया? टू ब्लॉक्स ऑफ इक्वल मास एम आर टाइड टू ईच अदर थ्रू अ लाइट स्ट्रिंग। हेलो, क्या डायग्राम नहीं बना तुमसे? फिर क्या नहीं समझ आया? करना क्या, टेंशन ही तो निकालनी है। पांचवा ही बोल रहा हूँ ना, टेंशन इन द स्ट्रिंग जॉइनिंग अ फोर्स पुल्ड अलोंग द लाइन जॉइनिंग देम। ए बी एम कहानी खत्म, पैसा खत्म। मैं क्या बताऊँ इसमें, क्या नहीं आया समझ? हाँ भाई साहब, तुझे आ गया था? अभी तो बोल रहा था समझ नहीं आया। इसमें बोले इजी है। चलो, हाँ बेटा, क्या नहीं आया इसमें? कौन, अंग्रेजी समझ नहीं आई? अब आ गई एचसीएल में, हिंदी में भी अवेलेबल रहती है कई जगह। कई जगह रहती है अवेलेबल, ऑल दो वो पायरेटेड कॉपीज होती हैं, तो रिफ्रेन फ्रॉम बाइंग सच बुक्स है ना। तो ये एफ लगी बेटा, एक्सेलरेशन क्या हो गया बोलो? एफ अपॉन टू एम। एक्सेलरेशन क्या हो गया? यहाँ भी टी लगी और यहाँ भी, इस वाले ब्लॉक का एफ वी डी बना ले। तो यहाँ क्या लगा? टी। और एक्सेलरेशन कितना है बेटा? एफ बाय टू एम, इसका मास एम। बातें नहीं हो गई बहुत है ना। तो बोलो एक्सेलरेशन पता ही है, टेंशन ही लग रहा है और तो कुछ नहीं लग नहीं रहा। बोलो क्या लिखूं? टी इक्वल्स टू एम, एम इंटू एफ बाय टू एम। एम ने एम को मारा, आंसर बोलो। खत्म, नहीं आया। ओके, इजी था ये तो। छठा, सातवा, सातवें में लौट गए। टू ब्लॉक्स आर कैप्ट इन कॉन्टैक्ट ऑन अ फ्रिक्शनलेस टेबल द एक्सपेरिमेंटर। यार फिर वही सवाल, कौन है ये पूछने वाला? एक मिनट, कौन पूछ रहा था? सेकंड मैन कौन? अरे कौन पूछ रहा था बताओ तो, मैं समझाता हूँ ना बेटा। कौन डरा बताओ? अरे जो डर गया वो घर गया बेटा, जल्दी बताओ। किसको नहीं है डाउट? आपको डाउट है इसमें? वेरी गुड बेटा, है ना। कौन से नंबर का है? सेवन नंबर है ना। अब तुम ही लोग बता देना, ये हमने क्लास में नहीं किया है क्या? किया है ना बेटा? क्या डायग्राम नहीं बना क्या तुमसे? टू ब्लॉक्स ए एंड बी ऑफ मासेस एम ए एंड एम बी आर कैप्ट इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर ऑन अ फ्रिक्शनलेस टेबल। एक्सपेरिमेंटर पुशेस द ब्लॉक ए फ्रॉम बिहाइंड सो दैट द ब्लॉक्स एक्सेलरेट। इफ द ब्लॉक ए एक्सर्ट्स अ फोर्स एफ ऑन द ब्लॉक बी, ए ने बी के ऊपर जो नॉर्मल लगाई उसकी वैल्यू एफ है। ए ने बी पे जो क्या लगाई बेटा? नॉर्मल लगाई, उसकी वैल्यू क्या है? एफ है। व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द एक्सपेरिमेंटर ऑन ए? तो ए पे उसने क्या फोर्स लगाई होगी? तो इसके ऊपर एफ लगी तो इस पे भी पलट के एफ लगी, इसकी वैल्यू एफ डैश मान ले। एक्सेलरेशन क्या होगा? एफ डैश अपॉन एम ए प्लस एम बी। बोलो होगा कि नहीं? ये तो आपका इसमें एक्सेलरेशन आ गया। बोलो आया? एक्सेलरेशन हो गया एफ डैश अपॉन एम ए प्लस एम बी। इसमें कोई डाउट तो नहीं? अगर ये समझ में आ गया तो किसी एक का एफ वी डी में लगा लो। एफ डैश की वैल्यू निकालनी है तो एम ए का बना लूं। यहाँ क्या लगा बेटा? इस पे एफ, यहाँ क्या लगा इस पे? और एक्सेलरेशन कितना है? एफ डैश अपॉन एम ए प्लस एम बी। कहानी खत्म। एफ डैश माइनस एफ इज इक्वल टू एम ए इंटू ए। खत्म, वही क्वेश्चन तो है यार। लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे आप लोग, ध्यान से पढ़ा करो क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिखा है इफ द ब्लॉक ए एक्सर्ट्स अ फोर्स एफ ऑन द ब्लॉक बी, ए ने बी के ऊपर कितनी फोर्स लगाई है? एफ लगाई है। मतलब कि नॉर्मल दे रखी है। क्या दे रखी है? ये सबको समझ में आता है? वेरी गुड। 9, 10, 11, 12 नहीं हुआ? 12 में डाउट आ गया। A man has fallen into a ditch. आदमी डिच में गिर गया, ये वाला है? है बेटा, कौन सा? यही बोल रहा हूँ ना। हाँ, क्या बोल रहा हूँ? अरे अभी तो बोला ही नहीं तुमने, क्या हुआ? क्या मैं सीधे 9 पे आ गया ऐसा? अच्छा, रेन ड्रॉप्स ऑफ रेडियस 1 मिलीमीटर एंड मास 4 mg आर फॉलिंग विद ए स्पीड ऑफ 30 m/s ऑन द हेड ऑफ अ बॉल्ड पर्सन। ओ ड्रॉप्स स्प्लैश ऑन द हेड एंड कम टू रेस्ट
assuming equivalently that the drops cover a distance equal to their radii on the head, estimate the force exerted by each drop on the head. भाई force कितनी लगेगी एक एक drop के ऊपर, अपने को तो ये निकालना है। ये बात समझ में आई तुम्हें? सबसे पहले तो बता, रेडियस दे रखा है 1 मिलीमीटर, तो रेडियस को क्या सेंटीमीटर उसमें मीटर में कन्वर्ट कर लोगे? 10^-3। इसके बाद में मास दे रखा है 4 mg, 4 mg क्या हो जाएगा? 10^-6 kg, 4 × −6 ही तो होगा मिलीग्राम, है ना? 1 किलो में 1000 ग्राम, 1 ग्राम में फिर सेंटीग्राम, फिर मिलीग्राम, तो सही तो है। और बोलो भाई, −6 होगा −5 होगा? −6 ही तो आ रहा है, ठीक है। आगे बोलो भाई, अब क्या दिया हुआ है? स्पीड दे रखी है बेटा 30 m/s, इसको तो कन्वर्ट करने की जरूरत है ही नहीं। साथ में हमें दिया हुआ है कि ड्रॉप्स कवर अ डिस्टेंस इक्वल टू देयर रेडियाई ऑन द हेड। ड्रॉप कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है सर के ऊपर? 10^-3 m, रेडियाई के बराबर ही वो लोग डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। और वेलोसिटी क्या दे रखी है बेटा? 30 m/s, ये सब गिवन है। तो v²-u² नहीं लगा पाए तो इसमें मैं क्या बताऊं? फाइनल वेलोसिटी क्या कर दोगे? 0। फाइनली रेस्ट पे आ गई ना बेटा, 8 नंबर का क्वेश्चन। तो v²-u² = 2a, अप्लाई करो, फाइनल वेलोसिटी को क्या कर दो? 0। कैलकुलेट कर लो, s की वैल्यू कितनी है? एक्सेलरेशन दे रखा है क्या? 10 लेना है, 9.8 है। अच्छा, डेसेलरेशन ही तो निकालना है, ठीक है, क्योंकि ड्रॉप गिरने के बाद की कैलकुलेशन है। तो ए आपको फाइंड आउट करना है, 2 पता है और यू कितना है? 30। कर सकते हो? यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ए। और कोई है बेटा? 12 पे आ गए, आओ भाई। अ मैन हैज फॉलन इनटू अ डिच ऑफ विद डी एंड टू ऑफ हिज फ्रेंड्स आर स्लोली पुलिंग हिम आउट ऑफ द लाइट रोप एंड टू फिक्स पुलीज आर शोन इन द फिगर। शो दैट the force assumed equal for both the friends exerted by each friend on the road increases as the man moves up. जैसे जैसे आदमी ऊपर जाता है, उन दोनों के द्वारा जो लगाई गई फोर्स है बेटा, वो क्या होती रहती है? बढ़ती रहती है। इसके बारे में अपने को कमेंट करना है। बोलो, इसमें कोई शक है क्या बेटा? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? लैंग्वेज समझ में आती है आपको? ठीक है, आदमी गिरा हुआ है, दो आदमी उसको खींचने के लिए ऊपर से जोर लगा रहे हैं, ठीक है ना? 12 नंबर सुनो, ऐसे है, यही तो केस दे रखा है और ये बेचारा झूल रहा है मास्टर, ठीक है बेटा? क्या हुआ? सही तो है, ये दोनों इसे खींच रहे हैं क्या? इसमें क्या कौन कौन है? सीधे सीधे सवाल कर, इसमें क्या नामकरण करूंगा इनका? कोई नहीं, नामकरण कर रहा है ना। मानवेश कौन? इसका नाम मानवेश है। चलो ये एंगल थीटा मान ले। अच्छा बताओ, यहाँ भी टी लग रहा होगा, यहाँ भी टी लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ भी क्या लग रहा होगा? टी, और यहाँ भी क्या लग रहा था? टी। तो एक चीज बता, टी के कौन से कंपोनेंट काम के? ये वाले, ये दोनों जो टी के कंपोनेंट है, ये मिलके क्या बनाएंगे? 2t, और नीचे क्या लगेगा आदमी का? तो 2t cos थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट? mg। तो बेटा टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? mg/2 cos θ। बोलो होगी कि नहीं? अब आगे पढ़ते हैं वही क्वेश्चन को। क्वेश्चन के अंदर दिया है कि प्रूव दैट द फोर्स, फाइंड द फोर्स व्हेन द मैन इज एट अ डेप्थ h, h डेप्थ पर है तब अपने को फोर्स बतानी है, यही तो बोला है। अच्छा, साथ साथ अपने को डिच की विड्थ दे रखी है, जिसकी वैल्यू क्या है बेटा? छोटा डी। तो इससे तो ये वाली बात प्रूव हो जाएगी कि थीटा के साथ में क्या होगा बेटा? जैसे ऐसे ऊपर जाएगा, थीटा घट रहा है बढ़ रहा है? थीटा घट रहा है या बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। थीटा बढ़ेगा तो कॉस थीटा घटेगा, कॉस थीटा घटेगा तो टेंशन की वैल्यू, ये बात तो प्रूव हो गई। अब जो आपको प्रूव करना है ना, उसमें बेसिकली कॉस थीटा की वैल्यू आपको पुट करनी है। ये ट्रायंगल बन रहा है, देखिए, दिखा किसी को? ये वाला ट्रायंगल देख पा रहे हो? ये वाली हाइट h है, ये वाली हाइट क्या है?
और ये वाली डिस्टेंस कितनी है बेटा, डी बाई टू, बोलो है कि नहीं। तो एक ट्राइंगल बन गया जिसमें दिस इज एच एंड दिस इज डी बाई टू, बोलो है ना। तो कॉस थीटा लिख सकते हो इस वाले ट्राइंगल में, व्हाट विल बी कॉस थीटा? हो हो, क्या बेटा एच अपॉन ये कितना है, अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर बाय फोर प्लस एच स्क्वायर, बोलो है कि नहीं। कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर दे, मैं क्या बताऊँ, क्यों हंसी आ रही है, बावड़े हो गए क्या, क्यों हंस रहे बेटा फालतू में, सवाल नहीं हुआ तेरे से? 13, 14, 15, देखो 13 क्लास का है, 14 वापस क्लास का है, याद करो लिफ्ट के अंदर अपन ने ब्लॉक लटकाया था, टेंशन कैलकुलेट की थी, वही वाला क्वेश्चन है, अलग अलग केसेस में, एक बार ऊपर जा रही है, एक बार लिफ्ट नीचे आ रही है। 15 के अंदर हमने याद करो वेइंग मशीन रख दी थी आदमी के नीचे और नॉर्मल कैलकुलेट की थी, एन माइनस एम जी इक्वल्स टू एम ए, एन प्लस एम जी इक्वल्स टू एम ए, याद करो वो वेइंग मशीन वाला कंसेप्ट। 16 क्लास का एग्जाम्पल, हे भगवान, अरे 16 देखो, ये जो नीचे डायग्राम बना हुआ है, 16 का डायग्राम नीचे है बेटा। कई लोग सोच रहे होंगे 15 का डायग्राम है, 15 भी इतना बड़ा है, छोड़ देते हैं पढ़ के, कहीं ने तो 15 देखा होगा, नीचे देखा होगा, फिर सोचा होगा अरे वाह मजा आ गया, फिर 16 देख के सोचा होगा इसका डायग्राम क्या है। 17, 18, 19 अभी छोड़ दो बेटा, 19 अभी नहीं करना, बायंसी वगैरह अप्लाई होगी, वैसे तो ठीक है, बायंसी की फोर्स होती है वी रो जी ऊपर, बायंसी की फोर्स ऊपर की तरफ होगी हमेशा, जैसे आप पानी में अंदर जाएंगे तो बायंसी आप पे ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, उसकी वैल्यू होगी वी रो जी, ठीक है। अगर इतनी बातें समझ में आती हैं तो क्वेश्चन हो जाएगा, ऑल्दो फ्लूड आपको पढ़ाया नहीं गया इसीलिए करा भी नहीं रहा, क्योंकि आधे लोग सोचेंगे क्यों बता रहे हो, है ना, इसीलिए नहीं बता रहा हूँ। और बोलो भाई, 19 के बाद में 20, 21 बेटा, 21 बताना है, 21 में क्या नहीं आया, अ फोर्स एफ इक्वल टू वी क्रॉस ए इज एक्सर्टेड ऑन अ पार्टिकल इन एडिशन टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी वेयर वी इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एंड ए इज अ कॉन्स्टेंट वेक्टर इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन with what minimum speed a particle of mass m be projected so that it continues to move undeflected with a constant velocity। particle ko kaise move karana hai beta, constant velocity se hum logon ko move karana hai, bolo ye wali baat samajh aa gayi, constant velocity ka matlab net force zero kyunki acceleration zero, constant velocity ka matlab net force zero kyunki acceleration bhi kya lana padega zero। to dekho iske andar ek force to hai beta v cross hai और एक फोर्स है ग्रेविटी, तो V क्रॉस है और mg का सम क्या जीरो होना चाहिए? क्या मैं इसके अंदर ये बात लिख सकता हूं कि कौन से नंबर का क्वेश्चन है, 21, तो 21 में क्या मैं लिख सकता हूं कि बेटा V क्रॉस A प्लस mg शुड बी इक्वल टू जीरो? यार एक फोर्स ये है और एक mg है, इन दोनों का सम क्या आना चाहिए, तभी तो पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स जीरो होगी। नेट फोर्स जीरो का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, भाई एक्सेलरेशन जीरो हो गया, अगर नेट फोर्स जीरो हो गई मास तो जीरो हो नहीं सकता, तो क्या जीरो किया मैंने, एक्सेलरेशन जीरो किया और क्या बोला कि भाई नेट फोर्स को क्या करते थे जीरो, क्योंकि ये जीरो होने पर ही वेलोसिटी क्या हो सकती है बेटा कांस्टेंट। ये वाली बात समझ में आ गई है ना, इससे मेरे पास में जो रिलेशन आता है वो क्या आ जाता है बेटा बताइए, वी क्रॉस ए क्या बेटा माइनस एम जी के बराबर आ गया, V क्रॉस A किसके बराबर है, बेसिकली दोनों को क्या ऑपोजिट डायरेक्शन में लगना पड़ेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में लग के नेट फोर्स क्या करेंगे हम लोग जीरो। नेट फोर्स से अगर हमें जीरो करना है तो सुनो भाई, अब आप लोग एक चीज को देखना कि हम क्रॉस प्रोडक्ट को क्या लिख सकते हैं, क्या बेटा वी ए साइन थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट है तो क्या ऐसे वी ए साइन थीटा भी लिख सकते हैं, तो हमारे पास में वी की वैल्यू क्या आ गई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी, एम जी अपॉन ए साइन थीटा, क्यों, क्योंकि मैंने ए क्रॉस बी को क्या लिख दिया बेटा, ए बी साइन थीटा, ये तो पढ़ा होगा सबने, क्रॉस प्रोडक्ट याद है ना, ए क्रॉस बी क्या होता है बेटा ए बी साइन थीटा, तो मैंने इनके मैग्नीट्यूड ले लिया, इनके क्या ले लिया, तो वी क्रॉस ए का क्या बन गया, वी इन टू ए, और वी इन टू ए किसके बराबर हो गया, एम जी अपॉन ए साइन थीटा, बोलो इतनी बात क्लियर हो गई,
अब क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है, विद व्हाट मिनिमम स्पीड अ पार्टिकल ऑफ मास एम बी प्रोजेक्टेड सो दैट इट कंटिन्यूज टू मूव अनडिफ्लेक्टेड विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। अब इस वाली वेलोसिटी को क्या करना है, मिनिमम, इस वेलोसिटी को मिनिमम करना है। तो देखो ए तो कांस्टेंट है, तो व्हाट इज वेरिएबल, थीटा। व्हाट इज वेरिएबल, थीटा को मैक्सिमम कर देगा तो क्या बेटा वी मिनिमम आ जाएगी। थीटा मैक्सिमम किया तो क्या साइन थीटा भी मैक्सिमम हो जाएगा। थीटा अगर आपने बड़ा किया तो क्या बेटा साइन थीटा भी बड़ा हो जाएगा। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू, और वो कहां होती है, जब थीटा की वैल्यू क्या होती है 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, वी की वैल्यू क्या आ गई, एम जी अपॉन ए। बोलो बात समझ में आई। मैंने साइन थीटा को मैक्सिमम कर दिया और वो वैल्यू क्या थी 1, और इसीलिए v की वैल्यू कितनी आ गई, mg अपॉन a। चेक करो पीछे, यही है माइनस, क्यों, मैग्नीट्यूड ले लिया ना। चेक करो बेटा पीछे, mg अपॉन a होनी चाहिए, दिख गया सबको। अब वो z एक्सिस के अलोंग है, बताओ ये कैसे पता लगा, क्रॉस प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट है, तो v क्रॉस a। अब v की डायरेक्शन देखो क्या दे रखी है, a इज अ कांस्टेंट वेक्टर इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। a एक वेक्टर है, कौन सी डायरेक्शन में, तो देखो a इधर है a। अब v क्रॉस a की वैल्यू क्या आनी चाहिए, v के बारे में क्या लिखा हुआ है, v इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, यही लिखा है ना। तो v क्रॉस a, ध्यान से देख, v इधर हो गया, ए इधर हो गया, तो क्या ये जेड एक्सिस आया, आया कि नहीं। ऐसे ही अगर ऐसे होता तो भी क्या बेटा ए इधर हो सकता था, वापस से जेड आ जाता। समझ ही नहीं आया, सबको आया, हाथ घुमाने का सिस्टम है बेटा ये, किसका सिस्टम है, तो अलोंग जेड एक्सिस आपका आंसर होगा। क्लियर है बात, आगे बढ़ते हैं। 22, 23, 24 कौन सा बेटा, 23। कंसिडर द एटवुड मशीन ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम, द लार्जर मास इज स्टॉप फॉर अ मोमेंट 2 सेकंड्स आफ्टर द सिस्टम इज सेट इनटू मोशन। ठीक है, तो बेटा एक्सेलरेशन निकाल लोगे, कौन था, हाँ एक्सेलरेशन आ जाएगा। एक्सेलरेशन आने के बाद में उसे कितनी देर तक चलाओ, 2 सेकंड। 2 सेकंड में डिस्टेंस कैसे आएगी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उसमें यू क्या ले लेगा 0, तो सिर्फ हाफ ए टी स्क्वायर अप्लाई करेगा। समझ में आ रहा है जो बोल रहा हूँ, हाफ ए टी स्क्वायर अप्लाई कर लेगा, तो अब इसमें मैं क्या बताऊँ, हो गया। क्वेश्चन समझ में नहीं आया, अच्छा है? सुनो वापस, एक्सेलरेशन आपने पिछले क्वेश्चन में शायद निकाल लिया होगा, कितना आया, बेटा लास्ट क्वेश्चन में 10/3। देखो क्योंकि ये एचसी वर्मा है ना बेटा, जी की वैल्यू 9.8 लिया करो, अनलेस क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है जी 10 लेना है, तो बाकी हर क्वेश्चन में जी को 9.8 लेना है। अगर लिखा है 10 लेना है तो ही 10 लो, अगर नहीं लिखा तो क्या लो, मतलब आपका आंसर आ रहा होगा 9.8/3। तो एक्सेलरेशन पता है अपने को, ठीक है। आगे क्या बोल रहे हैं कि अपन ने इस वाली मशीन को रोक दिया है ना भाई, टेंशन भी बता, टेंशन क्या आ रही थी, एक्सेलरेशन तो तूने बता दिया 10/3 है ना, मतलब 9.8/3, टेंशन कितनी आई 4 न्यूटन आई आपकी 10 लेने पर, मतलब ढाई के हिसाब से आया, ढाई के हिसाब से 4, अराउंड 3.85, 3.89 कुछ आ रहा होगा। तो टी की जो वैल्यू आएगी ना इसके अंदर, वो कितनी आएगी बेटा 3.9 न्यूटन, ठीक है, और एक्सेलरेशन आएगा 9.8/3, देखना कितना होता है 9.8, 3.26, तो एक्सेलरेशन हो गया 3.26 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये डेटा अपने आस में ऑलरेडी है, ठीक है, पिछले क्वेश्चन से। अब हमें बोला कि 2 सेकंड के बाद की कहानी है ना, तो 2 सेकंड बाद डिस्टेंस कितनी चल लेगा निकाल लें, हाफ इंटू 3.26 इंटू क्या बेटा 4, 2 2s are 4, 3.26 into 2, 6.52, वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा, u plus 80, u तो 0 है
और टाइम 2 सेकंड है तो ये भी कितनी आ जाएगा, एक्सेलरेशन 3.26 × 2 बोलो कितना, 6.52 मीटर पर सेकंड। अरे वाह मजा आ गया। वेलोसिटी कितनी आई बेटा, 6.52 मीटर पर सेकंड, और डिस्टेंस रन भी कितना आ गया आपका, 6.52 मीटर। इसमें कोई दिक्कत आई क्या पहले ये बता। अच्छा जब आपका M1 भरी है क्या, M2 M1 इज 300 ग्राम, M2 इज 600 ग्राम, मतलब M2 भरी है। M2 कहाँ जा रहा था, नीचे, उस इंस्टेंट में M1 कहाँ जा रहा था, और दोनों की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम है, दोनों की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम है। और हमने बोला लार्जर मास को छोड़ा, कौन से वाले मास को रोका है हमने, 2 सेकंड बाद, लार्जर मास, लार्जर मास मतलब आप लोगों ने M2 को रोका है, किसको रोका है बेटा, M2 को। एक काम करो इसे नोट करना शुरू करो, करते हैं सब लोग, बाकी लोगों ने कर लिया था नहीं किया था, यहां तक का काम हो गया था, आगे का नहीं किया था, चलो ठीक है सब लोग करो, मैं करवाता। टेंशन की वैल्यू आपको पता लग चुकी है पिछले क्वेश्चन से, एक्सेलरेशन निकाल लिया, वेलोसिटी निकाल ली, डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी निकाल लिया। एटवर्ड मशीन है ना बेटा, कौन सी मशीन है, एटवर्ड मशीन, एक तरफ था M1, एक तरफ क्या था M2। अब सुनना, 2 सेकंड बाद मैंने इसको जैसे ही पकड़ा होगा तो ये तो कहाँ जा रहा था बेटा, नीचे कितने से, 6.52 से, बोलो सही है, ये किधर जा रहा था, ऊपर को 6.52 से, मैंने M2 पकड़ा, M1 भारी था इसको पकड़ लिया, तो ये थोड़ी ना रुकेगा, ये भी रुकेगा क्या, ये तो चलता रहेगा। पर अब क्या कंसेंट रिलेशन खत्म हो गया, जैसे ही मैंने इसको इस एंड पर रोका वैसे ही इनके बीच में जो कंसेंट था कि इसका एक्सेलरेशन ये है तो इसका भी यही होगा, क्या वो खत्म हो गया, वो कंसेंट खत्म होने का मतलब है कि कुछ लोग बाहर पता नहीं क्या पत्थर कटते हुए देखते रहते हैं। तो बेटा M2 रुक गया, M1 तो नहीं रुका, M1 ऊपर ही जा रहा था, पर सोच जैसे ही मैंने इसे रोका इनके बीच का जो रिलेशन था कि जितनी वेलोसिटी इसकी उतनी ही इसकी और जितना एक्सेलरेशन इसका उतना ही इसका, क्या वो सब खत्म हो गए। तो अब ये क्या कर रहा है, जैसे ही इसको रोक दिया तो ये तो ऊपर अभी 6.52 से ही जा रहा है, ये अभी भी ऊपर कितने से आ रहा है, 6.52 से, तो ये भाई साहब अपनी वेलोसिटी क्या बेटा जीरो करेंगे, किसके इन्फ्लुएंस में, जी के इन्फ्लुएंस करेंगे कि नहीं, तो इसकी वेलोसिटी जीरो करने का टाइम निकाल ले, क्योंकि इसके बाद वापस इसको रिलीज कर दिया, इसके बाद वापस इसको क्या किया, तो रस्सी वापस टाइट नहीं हो जाएगी, रस्सी वापस क्या हो जाएगी, रस्सी टाइट हो जाएगी, तो यहां वेलोसिटी क्या कर दो बेटा जीरो, यहां वेलोसिटी जीरो, तो v = u + at, v बोलो जीरो, तो 0 = u बोलो 6.52 प्लस माइनस 9.8 × t, तो यहां से t की वैल्यू क्या आ रही बता, 6.52/9.8 काटो, अरे काटो, 2 से काटा तो 4.9, 2 से काटा तो 3.26, अब वापस 2 से काटो, 2 से 11 से काटोगे, 3 से कट रहा है क्या, 4 से, 7 से, 7 से कितने गए, 28, 46 कहाँ कट रहा है 7 से, कितना है, एक काम कर 1.6 सोच, 1.6 × 2 कितना हुआ 3.2, 1.63 लो, 1.63 × 2 कितना हुआ 3.26, और 1.63 × 3 कितना हुआ 4.9, तो 2/3 आ रहा है, चेक कर आंसर, अरे आंसर तो चेक कर ले, नहीं आया समझ, जरूरी नहीं है होल नंबर से ही काटे, 1.5-2 से भी तो काट सकते हैं, अरे उसमें क्या गलत है, ऊपर 3 लिखा है नीचे 2 लिखा है, तो किससे काटो, 0.5 से काट दो, अब ये तो अपने ऊपर है अपन कैसे करते हैं, ये गणित बेटा आपको प्रैक्टिस से आती है अपने आप। 24, 25 हो गया, 26 दिए नहीं थे,
तो अगली क्लास में 26 से लेके कहां तक है 42 तक, 26 to 42 नेक्स्ट क्लास।